हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं जनरल स्टडीज एंड एसे एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो सेकंड पेपर के एग्जामिनेशन है, इसमें आपको 200 का मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स होता है और इसमें जो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है। तो ये चीज़ सभी को पता है, डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है और उसके बाद में जो है कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन भी रहते हैं, उसको भी आपको एक्सरसाइज को कंप्लीट करना होगा। तो उस चीज़ के बारे में बहुत कैंडिडेट्स को पता नहीं है, तो इसीलिए जो है इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। तो उसमें सबसे पहले आप लोग को अक्सर जो है बहुत आदमी जानता होगा एसे राइटिंग के बारे में, आर्गुमेंट्स के बारे में, रिपोर्ट राइटिंग के बारे में, प्रीसी राइटिंग के बारे में, लेकिन जो है जो ग्रामर पार्ट के बारे में सभी जो है नहीं जानता होगा। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा जो है ग्रामर टॉपिक पे अभी यहाँ पे पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन 6 में देखा जाते हैं कि यहाँ पे 10 मार्क्स का है, मतलब 10 क्वेश्चंस इनटू 10 मार्क्स, ईच वन हैव 1 मार्क। ओके, तो यहाँ पे आपको रीराइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड। यहाँ पे बता रहा है कि डैश यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर ह्यूमनिज्म, टॉलरेंसी, प्रोग्रेस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल। तो यहाँ पे आर्टिकल यूज़ करना है। उसके बाद में इधर सेकंड वाला देखिए कि फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशंस। तो इसका मतलब आर्टिकल भी समझना है आपको, प्रीपोजिशंस भी आपको पढ़ना है, और उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट एक्सिलरी वर्ब। तो एक्सिलरी वर्ब्स, एडवर्ब्स वगैरह, एक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है, चीज़ को आपको जानना होगा। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ना होगा अच्छे से, तो उसके लिए भी आपको देखना होगा। दे हैव कम्प्लीटेड द वर्क, चेंज इंटू पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। तो इस चीज़ को भी आपको पढ़ना चाहिए, और उसके साथ साथ में जो है द मेंशन ऑफ लिविंग हैप्पीली मस्ट बी नो टू यू, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। ये जो है पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, तो दोनों को जो है दो दो एक एक मार्क का 2 मार्क्स यहाँ पे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे जो है आप एक और भी देख सकते हो 6th one, तो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट स्पीच वगैरह भी आपको पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच दूसरा भी क्वेश्चन है। और उसके बाद में पुट द करेक्ट क्वेश्चन टैग्स भी आपको ज़रूरत है। और उसके बाद में जो है चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। और उसके बाद में सबसे लास्ट वन 10th one, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग 2, मतलब 2 यूज़ करके आप जो है फिर रीराइट करना है। और उसके बाद में गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस यूजिंग द प्लूरल फॉर्म। यहाँ पे जो है एक एक चीज़ को 2 मार्क्स है, मतलब ईच वन हैव 2 मार्क्स, सो 10 मार्क्स यहाँ पे आपको कवर हो रहा है। ठीक है, तो प्लूरल वर्ब पे आपको लिखना होगा, तो उस चीज़ को भी आपको पढ़ने के लिए आपको ग्रामर इस चीज़ को पढ़ना होगा। ये चीज़ कहाँ पढ़ना है, ये चीज़ भी जो है आपको बताएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, अगर किसी बंदा जो है मटेरियल खरीदना चाहता है तो खरीद सकते हो, मटेरियल का लिंक भी हम दे देंगे। और करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंजेस। यहाँ पे एक मतलब 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो यहाँ पे ही फाइंड्स फॉल्ट इन एवरीवन, तो यहाँ पे जो है आपको कुछ चेंजेस करना है, मतलब अननेसेसरी चेंजेस नहीं होना चाहिए, नॉर्मल चेंजेस आपको करना है। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे आपको आर्टिकल वगैरह, प्रीपोजिशंस वगैरह, जो भी पहले जो सेंटेंस इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो भी चेंज करने के लिए 10 क्वेश्चंस पूछा गया था 10 मार्क्स के लिए। और उसके बाद में जो है प्लूरल में चेंज करने के लिए बोला गया था, तो वो भी जो है आपको 10 मार्क्स में। और ये जो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंजेस जो पार्ट था, ये जो 5 क्वेश्चंस था 5 मार्क्स का था, तो यहाँ पे आपको 25 मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो। तो ये जो है आप लोग अच्छे से पढ़ने से जो है ये स्कोरिंग आप कर सकते हो। तो अगर इस चीज़ के लिए अगर मटेरियल ज़रूरत है आपको तो कांटेक्ट कीजिए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।